पूरा सफेद हो गया भाई पहाड़। और भाई कोहरा इतना निकल रहा है ना भाई, स्विफ्ट के पीछे निकाल रहा हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। गाड़ी वाड़ी भी चेक करी बिल्कुल, ये सब आमने सामने जो खोलवाल के देखा। साइड में गाड़ी लगा लेते हैं यहीं कहीं, पूरा अंधेरा हो रहा है। 4:40 होने वाले, थक गया हूँ, नींद आ रही है। रिस्क ही रहता है भाई मामला पहाड़ों पे। लगी यार वो देखो अटल टनल सामने पूरा सफेद हो रखा है। दोस्तों मैं नाम सुमित कटारिया। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे और तारीख है 4 जनवरी, रात के हो रहे हैं अपने 8:30। और कहाँ जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मनाली। और जाने वाले मेरे साथ में है ये अंकुर, और भाई पीछे कौन बैठा है, ये अंकित भाई। तो भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं अंकुर भाई? सुमित भाई अभी तो हमारा मनाली तक का प्लान है। अच्छी यार, उसके आगे का तो हमें कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ तक चले जाएं। सिसु भी जाने का प्लान है ना? सिसु का तो पक्का है ही है ही। उससे ऊपर भी अगर हमें लगा कि हमारी गाड़ी जा सकती है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंधित ना हो तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ ये भी है। बाकी जो अभी पेट्रोल पंप पे आया हूँ, अभी मेरठ में ही हूँ और गाड़ी की फुल टंकी कराते हैं भाई क्या रहता है। तो भाई चलो टंकी कराते हैं फुल। आपको ये दिखा देता हूँ गाड़ी में पेट्रोल कितना है। तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, 83 किलोमीटर्स दिखा रही है ये डिस्टेंस टू एम्प्टी। और यहीं से रीसेट कर देते हैं अपने ट्रिप ए ट्रिप बी को भी, ठीक है, और इसे फुल कराते हैं। तो भाई यहाँ पेट्रोल धंधा हो गया शुरू, 96.21 जो है पेट्रोल का रेट चल रहा है और इसको फुल करा रहे हैं भाई। कितना आता है भाई? एल्ट्रोस इसलिए लेके जा रहे हैं कि इस बार एल्ट्रोस की परफॉर्मेंस देखते हैं पहाड़ों पे क्या है। नेक्सॉन तो ले गए थे पिछली बार जब, इसकी देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। बाकी इतना चल रहा है। तो भाई टंकी हो गई फुल और 2700 कुछ रुपए का आया इसमें भाई। पूरा 2800 रुपए का कर दे, ठीक है ना, पूरा 2800 का कर दे भाई इसमें। 2800 रुपए का तेल आ गया और 29 लीटर आया इसके अंदर तेल, ठीक है। बाकी जो अब अंदर बैठते हैं और चलते हैं भाई। चलो हो गया बस भाई, और क्या पूरा इसका टैंकर भरोगे? चलो। तो पेट्रोल पंप से मैं निकल गया हूँ और गाड़ी के अंदर फ्यूल आप देख लो भाई फुल टंकी हो चुकी है। और डिस्टेंस टू एम्प्टी की मैं बात करूँ तो भाई 513 किलोमीटर दिखा रहा है। पहले 85 दिखा रहा था जलवाने से पहले। और ट्रिप ए ट्रिप भी मैंने आपके सामने जो है रीसेट कर दिया था इसका, ठीक है, आधा किलोमीटर चली है। अभी 13 का एवरेज दिखा रही है ये ट्रिप ए के अंदर, और ट्रिप बी के अंदर आपको जो है अभी 14 का एवरेज दिखा रही है। बाकी आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो ट्रिप रहने वाली है मेरठ टू मनाली रहने वाली है, और आगे जो है मनाली से आगे भी जाएंगे। तो भाई मेरठ से जो है थोड़ा बहुत बाहर ही निकले थे हम। और भाई कोहरा इतना निकल रहा है ना भाई, स्विफ्ट के पीछे निकाल रहा हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कैमरे में तो आपको इतना विजिबल भी हो रहा भाई, हमें तो इतना भी विजिबल नहीं हो रहा। और मैं तो ये देख रहा हूँ भाई स्विफ्ट वाला कैसे चला रहा होगा अंकुर, पता ही ना यार। तो भाई कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है, फिलहाल मैं भी ड्राइविंग पर ध्यान देता हूँ। भाई यहाँ रुके हैं हम करनाल में, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 11:18 हो रहे हैं। 120 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, जहाँ तक है ऊपर ही चल गई होगी। तो थोड़ा भाई स्ट्रेच ले लें भाई, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, कुछ खा पी लें। हाँ 130 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी चल गई है, ठीक है। और अभी इसके 3 डंडे गिरे हैं, और अगर मैं बात करूँ तो एवरेज अपना ये 19 का निकाल रही है। तो भाई देखते हैं अब क्या रहता है, अब खाते पीते हैं अपना फिर निकलते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच वैच ले लूँ, वॉशरूम हो गया है। तो चलो मिलता हूँ मैं आगे आपसे। तो भाई अपना खाना पीना हो गया है, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 11:45 होने वाले हैं। बाकी भाई खाना कैसा लगा यहाँ का? भयंकर था, भयंकर नहीं महंगा था, 400 रुपये में। तू चला रहा है गाड़ी भाई? रुक तो जा, गेट तो भाई इसको देखो पहले जल्दी हो रही है चलाने की गाड़ी। तो भाई चलते हैं, भाई ये चलाएगा गाड़ी अंकुर, मैं थोड़ा सा बैठता हूँ। तू चला रहा है? मैं चलाऊँ? तू चला रहा है? चल चला भाई, इतने को लगा लेते हैं। तो भाई फिलहाल है हम अंबाला में और 12:50 हो रहे हैं। अच्छा खासा जो है फ्लो चल रहा है कि भाई रात को ट्रैफिक नहीं मिल रहा है और कोई कोहरा अब तो नहीं है। बाकी अंकुर भाई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, चलाते रहो भाई। बाकी ऊपर क्या लिखा आया भाई, लुधियाना 107 किलोमीटर, अमृतसर जो है 246, जलंधर 167। तो भाई अब ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ मैं गाड़ी और भाई अब हम चलाएंगे गाड़ी। बहुत चला ली भाई, चला बहुत चला ली अंकुर भाई ने गाड़ी। हाँ पंजाब में है हम,
अच्छा पंजाब की खास बात होता है क्या है भाई, अगर यहाँ पे तुम्हें पता लगाना ना कि पंजाब में आ गए हो तो भाई वो देख लो क्या अलॉय व्हील, और भाई ने देखो भाई टैक्सी कैसे मॉडिफाई कर रखी है महाराजो महाराजो। हाँ भाई पंजाब की यही खास बात है, हर दूसरी गाड़ी के अंदर आपको अलॉय मिलेंगे। अभी पंजाब में चेकिंग हुई थी, गाड़ी वाड़ी भी चेक करी बिल्कुल, ये सब आमने सामने जो खोलवाल के देखा। तो भाई अगर तो भाई पंजाब के साइड आ रहे हो तो भाई चेकिंग वेकिंग तो है और पूरी आपकी गाड़ी चेक करी जाएगी। और वो देख रहे थे बेसिकली ये था कि भाई दारू वारू तो नहीं रख रखी गाड़ी के अंदर, तो अल्कोहल ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने बिल्कुल ही कह दिया था कि भाई खुली या बंद कोई भी आप जो है रख नहीं सकते। खैर अभी भी भाई हमारा डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है, एंड्रॉयड ऑटो चलाते हैं और अभी भी 198 है मंडी, मंडी से फिर आगे जो मनाली पड़ेगा अपना। तो भाई चाय ब्रेक लिया है, गाड़ी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चल गई है, तो थोड़ा सा चाय वाय पीना है। बाकी जो है पहाड़ पे जो है चढ़ना शुरू हो गया, हिमाचल शुरू हो गया है, अब देखते हैं भाई आगे। पहले मंडी पड़ेगा, फिर मंडी से आगे जो है मनाली पड़ेगा, तो पहले सीधा गाड़ी मंडी रोकूंगा और फिर जो है मनाली चलते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं तो भाई अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, चाय है। टाइम क्या आ रहा है, तो भाई 3:30 हो रहे हैं। बाकी देखो भाई कब तक पहुंचते हैं मनाली। तो भाई गाड़ी चलाते हुए नींद आ रही थी तो हमने सोचा भाई साइड में गाड़ी लगा लेते हैं यहीं कहीं, पूरा अंधेरा हो रहा है यार। बाकी जो है टाइम की अगर बात करूँ तो 4:40 होने वाले हैं और ये सो रहे हैं गाड़ी के अंदर, ये सो रहे पीछे भाई, भाई सो कोई ना रहा, ये सो रहा। मैंने यार सोचा कि मैं भी आधे घंटा सो जाता हूँ और उसके बाद जो है थोड़ा सा फिर उठता हूँ। तो देखते हैं भाई मंडी यहाँ से जो है कितना रह गया था यार, 82 किलोमीटर जो है मंडी रह गया है, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि भाई थक गया हूँ, नींद आ रही है और रिस्की रहता है भाई मामला पहाड़ों पर। तो मिलता हूँ भाई आपको थोड़ी देर में। फाइनली जो है मंडी आ गए हैं और टाइम की बात करूँ तो भाई 7:47, और भाई अभी मनाली जो है 110 किलोमीटर दूर है और गाड़ी को हम जो है दोबारा से रिफिल करवा रहे हैं, इसमें जो दोबारा से पेट्रोल डलवाते हैं। भाई कितना रह रहा है, दो डंडे दिखा रही है अभी भी, और 428 समथिंग चल गई है, 185 का ही अभी भी दिखा रही है, ठीक है। बाकी देखते हैं भाई कितना आता है इसके अंदर। भाई अब फुल हो रहा है इसका टैंक, अंकल जी जहाँ तक इसका ऑटो कट लग जाए बस वहाँ तक कर देना। कितना आता है, आता है आता है, मेरे ख्याल से भाई आ जाएगा इसके अंदर 2000 तक का, 2400 का, भाई 2400 रुपये का आया, 25 लीटर इसके अंदर आ गया अपना, 2413 रुपये का, 2420 कर दो, हाँ 2420 और 25 लीटर ऑलमोस्ट इसके अंदर आ गया है, ऑटो कट करा दिया, ठीक है बस थोड़ा बहुत ही ऊपर कराया है। बाकी करते हैं और अब देखते हैं भाई मनाली रुकते हैं या फिर आगे चलते हैं, जो भी रहता है बताते हैं। बाकी टेम्परेचर तो भाई अभी माइनस में ही चल रहा है और मौसम जो ख़राब सा ही हो रहा है, तो भाई थोड़े से व्यू के मज़े लो। और फिलहाल हूँ मैं अभी कुल्लू में और मनाली बच रहा है हमारा 34 किलोमीटर अभी भी, और हम सोच रहे हैं यार कि भाई मनाली क्या हम सीधा जो है अटल टनल से आगे ही चलते हैं, अपना सीसू चलते हैं, क्यों भाई? हाँ भाई चलो यार। सोच तो रहे हैं कि भाई अगर मौसम सही रहा, क्योंकि धूप निकल रही है, रास्ता खुला मिला, तो मैं सोच रहा हूँ आगे ही ले चलूँ, मनाली जो है अपना आते वक्त जो है कवर अप कर लेंगे। बाकी भाई व्यू देखो भाई, अल्टीमेट व्यू आता है भाई, देखो यार मतलब पीस ऑफ माइंड हो जाता है यार। एक तो ये गाड़ी भाई पीस ऑफ माइंड दे रही है, कोई दिक्कत नहीं दे रही, एवरेज भी बढ़िया दे रही है, सब कुछ जो है बढ़िया चल रहा है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है कॉन्फिडेंस फील करा रही है। ऊपर से भाई ये नेचर भाई पीस ऑफ माइंड हो गया, मैं मतलब महीने दो महीने में तो भाई आ जाऊँ यहाँ पे। तो भाई अटल टनल के अंदर जो है अब जा रहे हैं, बाकी जो अब सीसू की गाड़ी रुकेगी, हमने जो मनाली गाड़ी नहीं रोकी भाई, अब बहुत थक गया हूँ मैं, रात 8 बजे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अब टाइम देख लो भाई आप 12:14 दिन के, भाई बहुत टाइम हो गया है लिटरली। गाड़ी मैंने कितने किलोमीटर चला दी यार अंकुर, 570 किलोमीटर ऑलमोस्ट भाई, बट कोई बात नहीं भाई बर्फ मिल गई है। अब सीधा जो है दिखाता हूँ आपको जब अटल टनल के बाहर निकलते हो भाई क्या व्यू रहता है, क्योंकि भाई अटल टनल से जो आगे की दुनिया रहती है ना भाई अलग ही रहती है, आप खुद ही देखना भाई। व्यू देखो
भाई पूरी बर्फ ही बर्फ हो रही है और हम जा रहे हैं इधर की तरफ लेफ्ट साइड। अपना इधर जाना है हमें लेफ्ट साइड ना यार। सीसू लुक एट द व्यू गाइस, भाई अलग ही यार। वो देखो अटल टनल सामने पूरा सफेद हो रखा है भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है। इसलिए मैंने गाड़ी जब मनाली, यार मैं तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, मनाली में नहीं रोकी मैंने गाड़ी अपना, जो सीधा इधर ही आ गया हूँ, यहीं स्टे करूँगा अपना, थोड़ी देर सोऊंगा वोंगा कि बहुत गाड़ी चला ली यार मैंने बहुत ज़्यादा। ठीक है बाकी अब यार व्यू देखो यार। तो भाई यहाँ पे एंट्री करते ही चार्ज करता है, ग्रीनली चार्ज करता है कोई शायद 250 रुपये का 200 रुपये का जो भी होगा मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है ये एंट्री होती है यहाँ पे। तो भाई ये पर्ची कटी है अपनी 200 रुपये की, एक दिन के लिए वैलिड रहती है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी जो आप सीधा होटल पर मिलता हूँ आपको। तो भाई एक दिक्कत आ गई है, सिसु में जो है माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, जिसकी वजह से भाई अंकुर भाई हो क्या रहा है भाई सुमित यहाँ पे तो ना तो रूम मिल रहा है क्योंकि उसकी वजह ये हो रही है कि माइनस की वजह से कि पानी वानी की सबसे मेन प्रॉब्लम हो रही है, सारी पाइपलाइन चौक पड़ी है, इस वजह से होटल ही नहीं है, होटल ही नहीं है, सब बंद कर रखे हैं होटल वालों। तो भाई मुझे लग रहा है मनाली जाना पड़ेगा। हाँ भाई देखते हैं मनाली जाएंगे और कहाँ जाएंगे बताओ, कुछ तो व्यवस्था है नहीं कहीं से किसी तरह। हाँ क्योंकि हमने अभी 4-5 होटल चेक करे, कुछ नहीं भाई, मना कर दिया सीधा सीधा, तो मनाली ही स्टे करना पड़ेगा बस। ये तो अपने जो है बर्फ देख ली। तो भाई थोड़ा सा व्यू का मजा लो, ठंड बहुत हो रही है भाई। बाकी यार ये देखो पूरा सफेद हो गया भाई पहाड़। बाकी ट्रेजेडी हो रही है भाई, होटल नहीं मिल रहे हैं। बाकी थोड़ा सा यहाँ रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, सिसु में है अभी, थोड़ा सा यही मतलब एंट्री पॉइंट पे ही है, यहीं रुक गए। बाकी मनाली जाएंगे, मैं ही रुकता हूँ और फिर जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहता है। फाइनली जो हम होटल पे आ गए हैं और ये वही वाला होटल है जिसमें मैं पहले जो है रुका था, चिचोगा हाइट्स। ठीक है क्योंकि भाई इनके जो रूम्स हैं ना काफ़ी बढ़िया हैं तो मैं वहीं रुका हूँ। मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ और प्राइस की भी बता दूंगा कि भाई क्या है। वैसे प्राइस तो ये है कि भाई 1500 से स्टार्टिंग होता है इनकी और आगे ऊपर तक भी चला जाता है। और दूसरा अगर हम अपने रूम की बात करें, रूम मेरा कौन सा है भाई? अच्छा तो ये भाई मिलेंगे आपको। ठीक है तो भाई रूम अपना ये वाला रहने वाला है। ठीक है बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ से ना व्यू काफी बढ़िया दिखता है जो कि ये है और बिल्कुल वुडन वाला रहता है। तो अपना जो है ये वाला रूम है, अगर आपको बुक कराना तो आप करा लेना, नंबर आपको भी मैं जो है यहाँ पे शो कर दूंगा कार्ड पूरा। तो यहीं करता हूँ मैं इस वीडियो का एंड, थोड़ा सा सो जाता हूँ क्योंकि भाई देखो 4:14 हो गए हैं, कल से गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ और अपने जो एल्ट्रोस की भी हालत ख़राब हो गई है, वो खड़ी है उधर। तो यहीं करता हूँ इस वीडियो का एंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।